नगर प्राथमिक शिक्षण समिति अहमदाबाद, विषय हिंदी, कक्षा 5, विषयांक मुंबई की सैर, क्षमता 452552, वय मर्यादा 9 से 10, खास विशेषता बच्चे मुंबई के विविध स्थलों की जानकारी प्राप्त करें। भारत में मुंबई का स्थान। भारत के बड़े शहरों में से एक मुंबई है। मुंबई शहर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर आया हुआ है। यह मुंबई शहर का चित्र है। यह समुद्र तट पर आया हुआ है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है। आओ बच्चों, आज हम पहले भारत देश के कलात्मक शिल्प स्थापत्य के स्थल देखते हैं। अजंता इलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार, ताज महल, लाल किला, सिदी सैयद की जाली, झूलता मीनार। यह झूलता मीनार है। यह अहमदाबाद में आया हुआ है। इस मीनार की यह विशेषता है कि एक मीनार को हिलाओ तो दूसरा मीनार अपने आप हिलने लगता है। यह अजंता इलोरा की गुफाएं है। यहाँ भगवान बुद्ध की बेनमून बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। उनका जीवन दर्शन अनेक विध मूर्तियों द्वारा दिखाया गया है। यह गुफाएं इतनी बेजोड़ है कि कई विदेशी यात्री भी उसे देखने आते हैं। यह ताजमहल का चित्र है। यह एक सुंदर मकबरा है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसके मरने के बाद यह मकबरा बनवाया था। यह कुतुब मीनार का चित्र है। यह मीनार कुतुबुद्दीन बादशाह ने बनवाया था। यह लाल किला है। हमारे राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर यहाँ राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ राष्ट्रजोग संदेश देते हैं। यह सिदी सैयद की जाली है। यह भी दुनिया भर में प्रख्यात है। इसका प्रतीक भेंट के रूप में दिया जाता है। भारत की कई बड़ी बड़ी बेनमून इमारतें देखी। अब हम मुंबई के देखने योग्य स्थान देखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफंटा की गुफाएं, विक्टोरिया गार्डन, मछलियों का संग्रहालय, हाजीपीर की दरगाह, महालक्ष्मी का मंदिर, रेलवे स्टेशन, जुहू बीच, चौपाटी और समुद्री ज्वार, मुंबई के विविध प्रांतों के पहनावे। बच्चों, आज हम इस पत्र लेखन के पाठ द्वारा पत्र लिखना सीखेंगे। इस पाठ में हेमलता ने मुंबई की सैर करने के बाद अपने पिताजी को पत्र लिखा है। तो आओ बच्चों, पत्र कैसे लिखा जाता है यह सीखेंगे। सबसे पहले ऊपर पत्र लेखन लिखेंगे। सबसे पहले हमें अपने दाहिनी तरफ अपना पता लिखना चाहिए। बाद में हम जिसे पत्र लिखते हैं उनको आदर भाव से उद्बोधन करते हुए पत्र की शुरुआत करनी चाहिए। यह गेटवे ऑफ इंडिया का चित्र है। यह मुंबई का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह एलिफंटा की गुफाएं है। यहाँ 8 गुफाएं आई हुई है। इनमें बड़ी कलात्मक मूर्तियां है। हम स्टीमर में बैठकर वहां जा सकते हैं।
यह विक्टोरिया गार्डन है। इस गार्डन का नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर से रखा गया है। विक्टोरिया गार्डन में एक बहुत बड़ा संग्रहालय है। यह मछली घर का चित्र है, इसे एक्वेरियम कहते हैं। यहाँ कई जात की रंग बिरंगी मछलियाँ रखी गई है। यह विक्टोरिया गार्डन से थोड़ी दूर आया हुआ है। यह हाजीपीर की दरगाह का चित्र है। यह समुद्र के जल के मध्य में बनी हुई है। यह विचित्र एवं अत्यंत दर्शनीय स्थान है। लोग यहाँ मन्नत मानने आते हैं। यह महालक्ष्मी मंदिर का चित्र है। इसकी रचना देखने योग्य है। यह बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। यह रेलवे स्टेशन का चित्र है। यहाँ बिजली की ट्रेनें आती जाती है। यहाँ लोगों की भीड़। मुंबई में विविध पोशाक पहनने वाले हर प्रांत के लोग रहते हैं। यह गुजराती है, यह बंगाली है और यह मराठी है। तो बच्चों, आपने भारत और मुंबई के विविध स्थलों के चित्रों के द्वारा माहिती प्राप्त की। यह पत्र हेमलता ने विशेषकर अपने छोटे भाई अंकुर का ज्ञान बढ़ाने के लिए लिखा है। हम भी जब किसी को पत्र लिखते हैं तो विशेष जानकारी देने के लिए ही लिखते हैं। पत्र पूरा लिख लेने के बाद दाई तरफ अपना पूरा नाम लिखा जाता है। बच्चों, अब आप भी पत्र लिखना सीख गए होंगे। बच्चों, नीचे दिए गए हुए मूल्यांकन में सही जोड़े बनाओ। स्वाध्याय, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक, मुंबई के देखने योग्य स्थल कौन कौन से हैं? दूसरा, समुद्र तट पर कौन सा मंदिर दर्शनीय है? तीसरा, हेमलता ने यह पत्र किसका ज्ञान बढ़ाने के लिए लिखा है? चौथा, समुद्र तट पर कौन कौन सी खाने पीने की वस्तुओं का बाजार है?